आज हर कंपनी कार पे कार लॉन्च कर रही है, पर हर कंपनी की कोशिश यही करती है कि उनकी कारों में कोई कमी ना रह सके, पर फिर भी कोई ना कोई कमी निकली आती है, क्योंकि चाहे कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कार हो, हर कार की में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। इसीलिए इस वीडियो में हम कार के कुछ कमियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में तो मैंने बता ही दिया, अब कुछ कमियां भी हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो में रेनो की क्विड की कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। और अगर आप क्विड की पॉजिटिव पॉइंट भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए उस पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा वीक पॉइंट लगता है इस कार का, वो है मिसिंग फॉग लैंप। इस गाड़ी की हेडलाइट काफी ज्यादा वीक है। इस गाड़ी में आपको लाइट की वजह से नाइट में काफी ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि इसकी लाइट का थ्रो काफी ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक कह सकते हैं। क्योंकि सिटी के लिए तो आपको ठीक मिल जाएगा, क्योंकि सिटी में आपको स्ट्रीट लाइट मिल जाती है, लेकिन उस जगह हाईवे पे आपको काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस मिलेगा लाइट का, क्योंकि हाईवे पे आपको अगर स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके लाइट की, ये डुअल बैरल लाइट होने के साथ साथ ये केवल या तो लो बीम जलेगा या तो हाई बीम जलेगा, दोनों एक साथ नहीं जलता है। और इसकी लाइट बल्ब की जो परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से नाइट की ड्राइविंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है इसकी लाइट, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी है वो फॉग लैम्प का ना होना। अगर फॉग लैम्प होता इसमें तो शायद वो समस्या हट भी जाती, क्योंकि इसकी लाइट का डुअल बैरल है तो मैनेज हो जाता, लेकिन फॉग लैंप ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट की विजिबिलिटी आपको ख़राब मिलती है, जबकि काइगर में ऐसा नहीं है। काइगर में आपको डुअल बैरल है तो डुअल जलता ही जलता है लाइट, बट इसमें ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये मुझे सबसे बड़ा डाउनसाइड लगता है इस कार का। चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है वो है लो पिकअप। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस गाड़ी का 1 लीटर इंजन लेकर के आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा तो आप गलत हैं। 1 लीटर इंजन पे लो एंड परफॉर्मेंस, लो एंड आरपीएम पे काफ़ी ख़राब पिकअप मिलता है आपको, बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। मारुति यहीं पे इसके रावल्स जो मारुति के 1 लीटर का इंजन है उसमें काफ़ी अच्छा लो आरपीएम पे आपको पिकअप मिल जाता है, बट इसमें उतना अच्छा पिकअप नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ हाई आरपीएम पे, तो हाई आरपीएम पे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप मिलता है। अगर आप थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं तो इसको अगर हाई आरपीएम पे रखते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये देती है, बट यहीं पे उल्टा हो जाता है कि लो आरपीएम पे ये काफ़ी ख़राब परफॉर्म करती है, बट बार बार आपको शहर में गियर चेंज करने ही करने पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट डाउनसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डाउनसाइड है इस कार का वो है इंजन नॉइस। इस कार की इंजन नॉइस की बात करूँ तो ये कार पेट्रोल है, पर इसका जो इंजन का नॉइस है वो डीजल की तरह है। काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिलता है इसमें आपको। अगर आप इस कार को स्टार्ट करते हैं तो बाहर खड़े लोग को ऐसा लगता है कि वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पेट्रोल कार है कि डीजल कार है। ये सबसे बड़ा इसका डाउनसाइड लगता है। लेकिन वहीं पे अगर केबिन में बात करो तो केबिन में आपको उतना अच्छा उतना ज़्यादा नॉइस सुनाई नहीं देता है, और गियर लीवर्स और स्टीयरिंग पे भी किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं लगता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लगता है। लेकिन बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनको वो बेचारे कन्फ्यूज होते हैं कि भाई ये पेट्रोल कार है डीजल कार है। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो डाउनसाइड पॉइंट है वो है क्वालिटी इशूज। वैसे तो ये एंट्री लेवल हैचबैक है, बट इस काफ़ी कम बजट में आती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना या फिर ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है क्वालिटी के मामले में। लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्वालिटी इशूज़ आते ही आते हैं, जैसे आपके डोर लॉक हो गए हैं। डोर लॉक उतना अच्छा डोर लॉक का क्वालिटी नहीं मुझे लगता है, और बाहर से जो डोर हैंडल है उसकी भी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगती। अगर ये 2-3 चीज़ें थोड़ी सी रेनो वालों ने सही कर दी होती तो वाकई में ये कार काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती, क्योंकि बाहर से देखिए या अंदर से देखिए कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फ्रेश लगती है। लेकिन ये छोटे छोटे क्वालिटी इशूज़ हैं जो इस कार को काफ़ी ज़्यादा चीप टाइप का बनाते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। बाकी बजट के हिसाब से तो ये कार कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी सब और चीज़ें सही हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रहा क्विड के कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट जो वाकई में आपको जानना चाहिए था। अगर आपको इस निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये कार आपके लिए ही बनी है, और आप इस कार को जा करके खरीद सकते हैं। चलिए मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई में पसंद आई हो और आप कार के शौकीन हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।